जय श्री कृष्णा बच्चों। तो आज हम लोग जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, और बेसिक मैथ्स में मैं आपको मैंने वेक्टर सिखाया था। वेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर सिखा दिया है मैंने आपको, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, फिर ये वेक्टर्स के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो सब बताए थे। वेक्टर्स को ऐड करना मैंने बताया था आपको। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि जो वेक्टर होता है उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर मैं वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो वेक्टर ए से बी को मैं कैसे सब्ट्रैक्शन करूंगा, ये इस चीज का मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को घटाना, ठीक है। एक्चुअल में जो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है वो सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में हम उल्टा करके जोड़ देते हैं। जैसे दो ए में से बी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो जैसे हमें अगर मान लीजिए लिखना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना है तो हम यही करेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए माइनस बी अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटा देंगे, मतलब उल्टा करके जोड़ देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मतलब हम ए वेक्टर में बी को उल्टा करके जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था और ये था वेक्टर बी, और हमें ए वेक्टर में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था। तो a में से अगर b को सब्ट्रैक्ट करना था तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले b को उल्टा कर देते हैं। तो b को उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने के बाद ये जो वेक्टर आएगा ये हो जाएगा माइनस वेक्टर b। अब इस वेक्टर a में इस माइनस वेक्टर b को ऐड कर देंगे। माइनस, अब ऐड करने का नियम तो वही है यार कि हम जैसे वेक्टर a में से माइनस वेक्टर b को ऐड करना है तो वेक्टर a के हेड से माइनस वेक्टर b के टेल को मिला देंगे। वेक्टर a से माइनस वेक्टर बी के, वेक्टर ए के हेड से माइनस वेक्टर बी के टेल को मिला देंगे, और जो कॉम्बिनेशन आएगा ना हेड हेड टेल टेल, वही इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जैसे हमें वेक्टर एस निकालना है ए माइनस बी, रिजल्टेंट जो है एडिशन को आर से दिखा, सब्ट्रैक्शन को एस से दिखाएंगे, तो वेक्टर एस जो है वो ए माइनस बी के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी करने के लिए वेक्टर a में से वेक्टर b को उल्टा करेंगे। वेक्टर b को हमने उल्टा कर दिया और उल्टा करके हमने वेक्टर b को यहां जोड़ दिया, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो सब्ट्रैक्शन है ये वेक्टर s हो जाएगा, जो कि a माइनस बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हम करते क्या है कि जो जिस चीज को, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उस वेक्टर को हम उल्टा करके जोड़ देते हैं, चाहे ट्रायंगल मेथड से जोड़े चाहे पैरेललोग्राम मेथड से जोड़े, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया। अब उसके बाद आप देखें, जैसे कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए था और ये था वेक्टर बी, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो अगर मैं b को उल्टा करके ऐड करूंगा तो माइनस बी यहां पर आ जाएगा। तो अब a और माइनस बी के बीच जो एंगल होगा, अगर देखा जाए a और b के बीच एंगल थीटा है, तो वेक्टर a और माइनस वेक्टर b के बीच का जो एंगल आ जाएगा ना, वो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा, a और b के बीच का एंगल मैंने थीटा माना, तो a और माइनस बी के बीच का जो एंगल आ जाएगा वो 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अगर जैसे a और b के बीच का एंगल हमें थीटा पता है, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट लिखना चाह रहा हूं तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, जो आप लिखना चाहें। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच का एंगल माइनस थीटा होगा, और वहां पर जहां रिजल्टेंट जब जोड़ निकालते तो यहां प्लस आता था, सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बस इतना सा आपको समझना है जो मैं बात नोट कर दे रहा हूं, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी इज 180 माइनस थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्शन में हमने आपको ट्रायंगल मेथड बताया, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में हम पैरेललोग्राम मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे वेक्टर ए में से, ये वेक्टर ए था, इसमें से मुझे वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम पैरेललोग्राम मेथड लगा के भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हम यहां पे माइनस वेक्टर बी लिख देते हैं। अब ये जो वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, दोनों के टेल टेल मिलाते हैं, तो वेक्टर ए से माइनस वेक्टर बी की टेल को मिला दिया मैंने, माइनस वेक्टर बी की टेल को मैंने मिला दिया और पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये जो वेक्टर आएगा ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये वेक्टर एस हो गया, तो वेक्टर एस की जगह हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखें आप, ए अगर अगर ये ए माइनस बी था तो ए प्लस बी ऐसा हो जाएगा, ए माइनस बी अगर ऐसा था तो ए प्लस बी कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां पर ये थोड़ा सा छोटा बना ले रहा हूं फिगर में समझाने के लिए, क्योंकि इससे कर रहा है, ए प्लस बी कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइप से, यार होगा ये वाला वेक्टर ए ये बी, तो ध्यान से देखें तो ए प्लस बी ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ए माइनस बी ये वाला वेक्टर आ जाएगा। तो हम लोग पैरेललोग्राम मेथड का यूज करके भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रायंगल मेथड का यूज करके हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। कुल मिलाकर आपको यह समझना है कि वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी एक को उल्टा करके हम जोड़ देते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का मतलब है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन होते हैं इस पे कुछ सवाल बनते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूं, सवाल में लिख रहा हूं, आपको इसे सॉल्व करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, द डिफरेंस, the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of their difference, find angle between vectors, find angle between vectors। दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो उनके सम का मैग्नीट्यूड है और जो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो वेक्टर्स के बीच का एंगल बनाओ। दो मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, सॉल्व करेंगे, उसके बाद पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का और डिफरेंस का वो बराबर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आर इज इक्वल टू एस, आर स्क्वायर एस स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, आर स्क्वायर की जगह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और एस स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, एस स्क्वायर ही आ जाएगा। आर और एस में रिलेशन नहीं है, यहां से काट पीट करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा और फोर ए बी कॉस थीटा ये जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आ जाएगी और थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, कॉस थीटा जीरो के बराबर होगा और थीटा पाई बाई टू हो जाएगा, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा आप इस तरह से देखें कि दोनों का जो सम था, जैसे अगर मैं 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से देखूं, तो ये वेक्टर अगर ए है ये होगा वेक्टर बी, और इसमें देखें अगर ये ए है तो इस वाले वेक्टर को मैं माइनस वेक्टर बी बोल सकता हूं,
तो अगर देखें a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू बराबर होगी तो ये वाला जो एंगल आएगा ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिगर से भी हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर a था, ये a प्लस बी था, ये वेक्टर r हो गया, ठीक है, ये a था, ये माइनस बी था, ये वेक्टर s हो गया। अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो इस एंगल को 90 तो होना ही पड़ेगा, अगर ये 90 नहीं होगा तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ पाएगी, ठीक है। सब्स्ट्रैक्शन पे और भी सवाल आते हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल इसके अंदर आता है सब्स्ट्रैक्शन पे, द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर। The difference of two unit vectors is also a unit vector. Find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. दो unit vectors हैं और उनका जो difference है वो भी एक unit vector है, तो आपको दोनों vectors के बीच का angle निकालना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, पहले तो एक मिनट का पॉज लेंगे, सवाल लगाएंगे, लगाने के बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। ये भी वैसे पिछला जैसे सवाल था उसी टाइप का सवाल है कि दो यूनिट वेक्टर है यानी दोनों का मैग्नीट्यूड वन होगा और उनका जो अंतर है, उनका जो डिफरेंस है, उसका मैग्नीट्यूड भी वन है। तो सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अगर डिफरेंस होता है तो माइनस टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब ये कह रहे हैं कि ए बी एस तीनों का मैग्नीट्यूड वन है, तो वन इज इक्वल टू वन प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी यहां जी की वन बाई टू, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और इसके अंदर सवाल बनता है, सवाल लिख रहा हूं मैं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द सम ऑफ टू वेक्टर्स, यहां वेक्टर्स था, वेक्टर्स लिख दे रहा हूं मैं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन इन, फाइंड द रिलेशन इन देयर मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, ध्यान से एक्सप्लेन करता हूं। दो वेक्टर्स हैं, उनका जो जोड़ है वो भी एक वेक्टर ही होगा, और उन दोनों वेक्टर्स का जो डिफरेंस है यानी उनका जो अंतर है वो भी एक वेक्टर ही होगा। और ये बता रहे हैं कि वेक्टर, उन दोनों का जोड़ यानी वेक्टर आर, उन दोनों का डिफरेंस यानी वेक्टर एस, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा बता रहे हैं। तो अगर इस तरह का है तो दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। आप तीन मिनट का समय लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बताता हूं कि जब हम क्वेश्चन आपको देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं इसके अंदर हम डायरेक्ट आपकी कॉपी नहीं देख सकते, कॉपी देख के ये हम बता नहीं पाएंगे कि बेटा रुको और इसको इस तरह से करो। तो इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट होना पड़ेगा, अलर्ट ऐसे होना पड़ेगा कि जब भी कोई टीचर क्वेश्चन देता है तो आप अपना पॉज बटन दबाएं, क्वेश्चन को पहले अपनी पूरी ताकत से सॉल्व करें। टीचर दो मिनट तीन मिनट बोल रहा है तो भले आप 10 मिनट लगा दें, पूरी अपने एफर्ट पूरी जान लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर उसका जो सॉल्यूशन है वो जो टीचर बता रहा है उसको देखें। पहले अगर आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो
तो फिर ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप हमेशा ये रहेंगे कि टीचर ही क्वेश्चन दे, टीचर ही सॉल्व करे, तो आप क्या करेंगे? मतलब आपका जो एफर्ट है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, टीचर को एग्जाम नहीं देना है, ये बात आप समझिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज यही है कि बच्चा सॉल्यूशन तुरंत देख लेता है। जैसे बुक में तुरंत सॉल्यूशन देख लेते हो, तुम उसी तरह ऑनलाइन क्लासेस में देख लेते हो, फिर उससे क्या होता है, तुम्हारी जो अपनी सवालों से लड़ने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी पे असर पड़ जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं, तो उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, फिर उसके बाद मैं, या मतलब ऑनलाइन में जब भी जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उसमें इस बात का आप ध्यान रखें। खैर, तो मेरे हिसाब से आपने कर लिया। अब दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनके मैग्नीट्यूड में रिलेशन बताएं। देखिए जरा ध्यान से, मैंने मान लिया कि ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा वेक्टर आर, ऐसा। अब अगर मैं ये ए में से बी को घटाना है, तो मैं क्या करूंगा, बी को उल्टा करके ऐसे कर दूंगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। फिर अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा, ये हो जाएगा वेक्टर एस। ये ए है, ये माइनस बी है, तो ये वेक्टर एस हो गया। थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर ये वेक्टर एस है, ये भी वेक्टर एस ही होगा। मतलब ये जो पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल वेक्टर आर बताएगा, तो ये वेक्टर एस है, तो सेम ऐसा ही पैरेललोग्राम ये भी है ना, तो अगर ये वेक्टर एस है तो ये भी वेक्टर एस हो जाएगा। तो अगर इस वाले पैरेललोग्राम में देखा जाए ध्यान से, तो एक डायगोनल इसका वेक्टर आर बता रहा है, एक डायगोनल वेक्टर एस बता रहा है। अच्छा, अगर आप याद करें, एक रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके दोनों डायगोनल अगर परपेंडिकुलर, रोम्बस की प्रॉपर्टी है ये, याद करें, कभी 9th-10th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस होगा। तो आप देखिए, एक डायगोनल वेक्टर आर था, एक डायगोनल वेक्टर एस था, तो इसका मतलब कि ये रोम्बस हो गया भाई, दोनों ये परपेंडिकुलर आ गए ना, एस और आर, तो दोनों डायगोनल अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो रोम्बस होता है, ये रोम्बस हो गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी की सारी साइडें बराबर होती है, तो इसके अंदर सारी साइडें बराबर होंगी, तो वेक्टर ए जो होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वेक्टर बी की वैल्यू के बराबर जाएगी, बिकॉज इट इज ए रोम्बस। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्योंकि देखें जब हम पैरेललोग्राम मेथड लगाते हैं, तो पैरेललोग्राम मेथड अच्छा इस सेंस में है कि एक डायगोनल जो है वो दोनों वेक्टर्स का जोड़ बताता है, तो दूसरा वाला दोनों का डिफरेंस बताता है। अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंस और जोड़ परपेंडिकुलर है, यानी ये दो डायगोनल परपेंडिकुलर हो गए, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो रोम्बस होता है, जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, सारे साइड्स बराबर हैं, तो ए और बी जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम लोग जैसे बहुत बार फिजिक्स में भी सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में भी आते हैं, मैथ में भी आते हैं, चेंज निकालने के। तो चेंज का मतलब होता है हमेशा, जब भी चेंज हम निकालेंगे तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मेरे पास 150 रुपए हैं, तो जो चेंज होगा वो 150 माइनस 100 हो जाएगा, यानी 50 के बराबर हो जाएगा। या जैसे मान लीजिए पहले मेरे पास 1000 रुपए थे, अभी 300 है, तो चेंज होगा 300 माइनस 1000, यानी -700। तो चेंज का मतलब आपको याद रखना है हमेशा 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 फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब हमेशा क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर वेक्टर है तो वेक्टर का डिफरेंस लेंगे, स्केलर है तो स्केलर का डिफरेंस लेंगे। अब चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर हम वेक्टर का डिफरेंस लेंगे। जैसे मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से हम चलते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। अब पहले जो पार्टिकल जा रहा था वो ईस्ट वर्ड्स जा रहा था, कुछ इस तरह से ये पार्टिकल चल रहा था इस तरह से, और वेलोसिटी की वैल्यू 10 के बराबर थी। बाद में यही पार्टिकल जो है, इसको मैं बोलूंगा इनिशियल वेलोसिटी, वी आई बोल दे रहा हूं। बाद में यही पार्टिकल जो है वो नॉर्थवर्ड जाने लगा, यानी कुछ अगर मैं यहां पर बनाऊं, तो बाद में इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ये हो गई, वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन बदला है।
तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब भी मुझे कभी चेंज वेलोसिटी का निकालना होगा या किसी भी का चेंज निकालना होगा तो वो बराबर होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम वेक्टर क्वांटिटी है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देंगे तो वही चेंज आ जाएगा। अब मैं फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करने जा रहा हूं, ये फाइनल था, इसमें से इनिशियल को सबट्रैक्ट करने का मतलब पहले तो इनिशियल को उल्टा करो, सबट्रैक्शन का मतलब यही है कि उल्टा करके जोड़ देना। तो फाइनल वेलोसिटी ये थी, इनिशियल देखो ऐसे थी, हमने इसको उल्टा किया और उल्टा करके अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा। मैं पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये इधर है फाइनल और इनिशियल का उल्टा इधर था, ये हो जाएगा माइनस वी इनिशियल। ये फाइनल है, ये माइनस वी इनिशियल है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो जो चेंज वेक्टर आएगा ना वेलोसिटी का चेंज वो ये वाला वेक्टर हो जाएगा। यही ना दोनों का डिफरेंस, ये चेंज आ जाएगा। ये फाइनल वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर है और सॉरी इनिशियल ये था, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दिया पैरेललोग्राम मेथड से तो ये चेंज वेक्टर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड 10 है, इसका भी 10 है तो इसका जो ये 10 है और ये 10 है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 10 ये 10 तो ये वाला 10√2 आ जाएगा। तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 10√2 और इसका डायरेक्शन आएगा, देखें चूंकि ये भी 10 है ये भी 10 है तो ये 45 डिग्री होगा। तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसका डायरेक्शन लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा 45 डिग्री, यहां लिखता हूं मैं डायरेक्शन 45 डिग्री, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसकी वैल्यू जो आएगी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 10√2 आएगा क्योंकि 10 इधर है तो मैग्नीट्यूड हो गया 10√2 और डायरेक्शन इसका आ जाएगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर्स का डिफरेंस निकाल सकते हैं। कभी भी आपको चेंज निकालना, चेंज के बहुत सारे सवाल आईटी में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं, बहुत सारे सवाल चेंज के आते रहते हैं। जब भी कभी आपको चेंज निकालना है तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर वेक्टर है तो वेक्टर का चेंज निकालेंगे, स्केलर है तो स्केलर का, और चेंज का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए फाइनल वेक्टर जो था वो नॉर्थवर्ड्स था, इनिशियल वेक्टर ईस्टवर्ड्स था, हमें फाइनल में इनिशियल सबट्रैक्ट करना है तो इनिशियल को हमने उल्टा कर दिया, अब उल्टा करके इनिशियल हमने उल्टा कर दिया और उल्टा करके जोड़ दिया तो ये डेल्टा भी आ जाएगा, ये चेंज वेक्टर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये 10 और ये 10 तो पाइथागोरस से ये वैल्यू 10√2 आ गई एक बात, और दूसरी बात ये कि डायरेक्शन इसका नॉर्थ वेस्ट आ गया, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री का अगर एंगल बनाए तो ये इस तरह से चेंज वेक्टर हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर का जो डिफरेंस है वो इस तरह से निकाला जा सकता है। अब इसके अंदर दो बातें आती हैं, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज होता है और एक चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, ठीक है, कि चेंज का मैग्नीट्यूड बताओ, तो चेंज का मैग्नीट्यूड 10√2 है। कभी कई बार सवाल बोलते हैं, कई बार ऐसा भी सवाल बोलते हैं फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो अगर कभी ऐसा बोले, क्योंकि सवालों की हेराफेरी, मैग्नीट्यूड का चेंज जो है वो तो मैंने निकाला आपको, ठीक है, सॉरी चेंज का मैग्नीट्यूड तो मैंने यहां निकाला आपको, कई बार ऐसा बोलता है कि मैग्नीट्यूड का चेंज बताओ, तो मैग्नीट्यूड तो पहले भी 10 था बाद में भी 10 है, तो मैग्नीट्यूड का चेंज अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता तो वो 0 होता। चेंज का मैग्नीट्यूड 10√2 आ रहा है, चेंज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हम वेक्टर के हिसाब से चेंज निकाल लेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछता फाइंड द चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में चेंज तो 0 हो रहा है ना, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड पहले था वही मैग्नीट्यूड बाद में भी था, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज जो है वो 10√2 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते। तो अब हम लोग वेक्टर्स का रिजोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। रिजोल्यूशन आप समझ लें कि वेक्टर पढ़ाने का जो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही था कि हम आपको वेक्टर्स का रिजोल्यूशन सिखा पाएं। और फिजिक्स में रिजोल्यूशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फलाना और ढिमका जो मैंने आपको सिखाऊंगा वो उतना काम का नहीं, लेकिन रेजोल्यूशन आप समझ लें कि फिजिक्स का हर तीसरा या चौथा सवाल जो मैकेनिक्स का आएगा उसके अंदर आपको वेक्टर्स को रिजोल्व करने की जोड़नी पड़ेगी। रेजोल्यूशन बेसिकली एडिशन का उल्टा प्रोसेस होता है। एडिशन में हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ दें, दो या तीन वेक्टर्स को जोड़ते हैं, और रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं उनको तोड़ते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर
ए था और दूसरा वेक्टर बी था और ये दोनों वेक्टर को हमने जोड़ा तो ए और बी मिले, तो वेक्टर आर जो है ये बराबर ए और बी होगा। तो अगर मैं वेक्टर आर को तोड़ू, ठीक है, वेक्टर आर को मैं तोड़ू, मान लो ए और बी को मैंने जोड़ दिया था तो वेक्टर आर मिल गया। अगर मैं वेक्टर आर को तोड़ूंगा तो मुझे वेक्टर ए और बी मिलेगा, ठीक है। तो ये ए और बी जो है वो आर के कंपोनेंट कहे जाएंगे या ए और बी जो है वो आर के रिजॉल्व्ड पार्ट्स कहे जाएंगे। रिजोल्यूशन जो है वो एडिशन का उल्टा प्रोसेस है। आप दो चार चीजों को जोड़ते हो, जोड़ करके आप उन सबको मिला देते हो तो एडिशन हो गया। अगर आप उसके कंपोनेंट में उसमें जिससे जिससे मिल करके बना है उसमें तोड़ दो तो रिजोल्यूशन हो गया। जैसे मान लो आपने कोई बहुत बेहतरीन टेस्टी सब्जी बनाई, मटर पनीर की सब्जी बनाई, तो मटर पनीर की जो सब्जी है उसमें मटर होगा, पनीर होगा, मसाला होगा, पानी होगा और भी तरह तरह की चीजें होंगी, अदरक, इलायची, फलाना ढिमका, जो भी आपने सब्जी बनाई, तो जो जो उसके अंदर है वो सब उसके कंपोनेंट्स कहे जाते हैं जिनसे वो मिलके बना हुआ है। कंपोनेंट का मतलब यही है कि कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जिन चीजों से वो मिलकर के बना हुआ है। तो जैसे ये वेक्टर आर है ये ए और बी से मिलकर बना हुआ है ना, ए और बी को हमने जोड़ा था तो आर आ गया था, तो ये ए और बी जो है आर के रिजॉल्व्ड पार्ट्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो रिजोल्यूशन जो है वो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन के बारे में पहली बात तो ये लिख लें, रिजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, रिजोल्यूशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। एडिशन के का रिवर्स प्रोसेस है। और जैसे R is A और B को जोड़ा तो R मिला, R को तोड़ेंगे तो A और B मिलेगा, तो A और B R के कंपोनेंट्स हैं। वेक्टर A एंड वेक्टर B आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर R। वेक्टर A और B जो है वो वेक्टर R के कंपोनेंट्स कहे जाएंगे। तो रिजोल्यूशन वेक्टर को जो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। जोड़ने का जो उल्टा प्रोसेस है, जो उल्टी प्रक्रिया है जोड़ने की, उसी को हम लोग रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक मिनट में चौक ले लूं। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, तो ए और बी जो है वो आर के रिजॉल्व्ड पार्ट्स या कंपोनेंट्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं, हम तीन चार पांच पचास वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ए में जोड़ा था बी, ए में बी जोड़ा था, बी में हमने सी जोड़ दिया और ये आर आ गया, तो आर इस बार क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस बार ए बी सी को जोड़ने पे आर मिला, ठीक है। तो अब आर को तोड़ेंगे तो ए बी सी मिल जाएगा। या मैं चार वेक्टर को जोड़ के भी एक नया वेक्टर बना सकता हूं, 72 वेक्टर को जोड़ के भी एक नया वेक्टर बना सकता हूं, 1119 वेक्टर को जोड़ के भी एक नया वेक्टर बना सकता हूं। तो थ्योरेटिकली, इस बात को समझिएगा, थ्योरेटिकली किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिजॉल्व्ड पार्ट्स या कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। किसी भी वेक्टर को मैं बहुत सारे वेक्टरों के जोड़ के फॉर्म में दिखा सकता हूं, तो थ्योरेटिकली किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलग चीज है, उसमें मैं आ रहा हूं अभी, लेकिन कोई किसी भी वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट की बात करें थ्योरेटिकली, तो भाई हम 50 वेक्टर जोड़ के भी तो एक वेक्टर बना सकते हैं ना, तो उस वेक्टर के 50 कंपोनेंट हो गए, 100 जोड़ के बनाएंगे तो 100 कंपोनेंट हो गए। तो थ्योरेटिकली एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, थ्योरेटिकली एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ए वेक्टर कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ, ए वेक्टर कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। एक वेक्टर जो है उसके लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जितने कंपोनेंट चाहो आप उतने बना लो भाई, 50 से जोड़ के बनाओगे तो 50 कंपोनेंट हो गए। तो ए वेक्टर कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी वेक्टर के पॉसिबल है, ठीक है। अब ये जो वेक्टर्स का रिजोल्यूशन है,
इसमें आप ए और बी को जोड़ोगे तो आर मिलेगा, ए बी सी जोड़ोगे तो फिर तो भी आर मिलेगा, माने किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पॉसिबल है। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल बात होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन ही हो पाते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में। फिलहाल अभी हम लोग एक्स वाई प्लेन के अंदर ठीक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं, ठीक है, कार्टेशियन कंपोनेंट्स कहते हैं इसको। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो कंपोनेंट होगा तो वो मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। रेजोल्यूशन अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां एक्स और वाई होता है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें रेजोल्यूशन निकालना है तो मैं यहां पर वो सिखाने जा रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक वेक्टर है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और हम x और y के हिसाब से मान लीजिए कि ये वेक्टर है a, ये वेक्टर a हो गया और ये एंगल थीटा हो गया। अब मैं इसको, इस पॉइंट को OP बोल देता हूं, इस वेक्टर को OP से मैं दिखा रहा हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं m पर, ठीक है। तो अब अपने पास देखें तो एक वेक्टर OM हो गया, एक वेक्टर MP हो गया, इन दो वेक्टर्स का जोड़ वेक्टर ए आ जाएगा। वेक्टर ए जो होगा ये बराबर होगा वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एमपी, ठीक है। जो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है तो इस वेक्टर का मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा, एक्स दिशा में अगर इसका कंपोनेंट लूंगा तो ओ एम आएगा, और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लूंगा तो एमपी आएगा। अब थोड़ा और ध्यान से देखें तो जैसे यहां पर अगर मैं देखूं, इसी ट्रायंगल मैंने जो बनाया इसके अंदर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा आएगा ओ एम अपॉन, जो कॉस थीटा आएगा ये ओ एम अपॉन ये वाली हाइट क्या हो जाएगी ओपी, तो ये हो जाएगा ओ एम अपॉन ए। ओपी जो है ये ए वेक्टर हो गया, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ओ एम ए कॉस थीटा के बराबर होगा, ओ एम की जो वैल्यू आएगी वो ए कॉस थीटा होगी। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो MP आएगा ये A साइन थीटा के बराबर आएगा। सिमिलरली जो OM आएगा ये A cos थीटा के बराबर है, MP जो है वो A साइन थीटा के बराबर है। अब मैं वेक्टर OM और वेक्टर MP की अगर वैल्यू लिखूंगा तो वेक्टर OM जो होगा ये बराबर हो जाएगा, अच्छा ये डायरेक्शन जो था मैंने बताया था इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो वेक्टर OM की जगह मैं लिख सकता हूं A cos थीटा आई कैप, और वेक्टर MP की जगह लिख सकता हूं मैं A साइन थीटा जे कैप, ऐसे लिख सकता हूं। या मैं इसी को अब ऐसे लिखूंगा, वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, वेक्टर a इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, जहां पर ax जो है वो x कंपोनेंट कहा जाता है और ay जो है y कंपोनेंट कहा जाता है। और कंपैरिजन से अगर हम देखें तो ax की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a cos थीटा, और ay की जो वैल्यू आएगी वो a sin थीटा आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से इसको देखें, ये वेक्टर ए था, अगर हमसे कोई कहता है कि x कंपोनेंट निकालो तो इस डायरेक्शन में जो x डायरेक्शन, क्योंकि एंगल x डायरेक्शन से दिया हुआ है तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो a cos थीटा आ जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर यानी y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो a sin थीटा आ जाएगा। तो ax जो है वो x कंपोनेंट कहा जाता है और ay जो है y कंपोनेंट कहा जाता है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिजोल्व करना, एक जनरल बात मैं करता हूं, ये तो फार्मूले वाली बात हो गई, जनरल बात यह है कि जिस लाइन के साथ एंगल थीटा दिया होता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है। जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर था, इस लाइन के साथ थीटा एंगल दिया है, तो इस लाइन यानी एक्स डायरेक्शन में आएगा कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा वो साइन थीटा आ जाएगा। तो जिस लाइन के साथ दिया है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा आ जाएगा। तो ए एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा आ जाएगी और ए वाई की वैल्यू, मैंने जिस भी लाइन के साथ एंगल दिया हुआ है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कॉस थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो साइन थीटा के बराबर आता है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा और दूसरी तरह से भी देखते हैं, मतलब ये तो एक बात हो गई कि भाई ये एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हो गया, तो कई बार आपको क्या होता है कि वेक्टर ए और थीटा दिया होता है और आपसे पूछते हैं कि कंपोनेंट बताओ, एक्स कंपोनेंट बताओ, वाई कंपोनेंट बताओ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कंपोनेंट दे देते हैं और कहते हैं कि वेक्टर बताओ, ए थीटा कितना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको
ए और थीटा दिया हुआ है, आपको वेक्टर ए दे दिया, थीटा दिया गया, तो आप एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर इसका उल्टा मान लो आपको ए एक्स ए वाई दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कितना आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ए एक्स ए वाई दिया हुआ है तो यहां से ए भी निकाल सकते हैं आप। दूसरी बात, जो ए वाई होता है ये कितना होता है, ए साइन थीटा, और जो ए एक्स होता है ये होता है ए कॉस थीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ए से ए कट जाएगा और टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। अब देखें दोनों बातें, इन दोनों बातों को एक साथ आप सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड कर पाएंगे। अगर मुझे ए और थीटा दिया हुआ है तो मैं ए एक्स और ए वाई निकाल सकता हूं, ए एक्स ए कॉस थीटा होगा, ए वाई साइन थीटा। कई बार उल्टा होता है, मुझे ए एक्स ए वाई दे देते हैं, तो मुझे ए एक्स ए वाई दे दिया और पूछा कि भाई ए की वैल्यू बताओ, तो अगर ए ए एक्स ए वाई दिया है तो ए इसी क्वेश्चन से आ जाएगा, और थीटा भी हम निकाल सकते हैं, टैन थीटा जो होगा वो ए वाई बाई ए एक्स के बराबर हो जाएगा।